हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साइंस के जो अब तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो इसमें साइंस का टोटल क्वेश्चन होगा जो अब तक पूछा गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है उसको पढ़ करके जाइएगा। और साइंस देखिए, साइंस का तो जरूर पढ़िएगा। साइंस में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे रिपीटेड क्वेश्चंस तो सबसे रहते हैं, लेकिन साइंस के भी रहते हैं। आप लोग जब अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं कितने ज़्यादा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाना 2-3 बार। और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तीनों का ही इसमें है पूरा साइंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे इस तरीके के, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कोई डाउट होता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो देखिए, न्यूट्रॉन जो है इनमें से किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन ड्यूटेरियम जो है इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बल्कि इसके समस्थानिक में जरूर होते हैं लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10^-10 मीटर। इसको भी याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष देखिए दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 9.46 × 10^15 मीटर। और देखेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम लूसेंट साइंस के बुक के ही हैं, लूसेंट साइंस से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग बीपीएससी के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट साइंस की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर स्पीडी का साइंस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने लूसेंट साइंस पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग चाहे तो वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है या देखना है तो। ज़्यादा नहीं है, चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया, और उसमें सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक मैंने बताए हैं और आगे भी मैंने देखा है पूरा, सभी लूसेंट साइंस से ही है। क्योंकि बीपीएससी में साइंस का लेवल उतना भी टफ नहीं होता है, बेसिक साइंस पूछते हैं, तो लूसेंट से काम बन जाएगा आपका। सो ठीक है, आपको देखना है अगर तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं लूसेंट साइंस का। खैर, हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, 66 बीपीएससी, नीचे दिया भी हुआ है कब कब एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में। आवृत्ति को मापते हैं हर्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। और एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। तो ये एक पॉइंट है। तो आवृत्ति को किसमें मापते हैं? हर्ज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं? घड़ियों में प्रयोग होते हैं कार्स क्रिस्टल, ये बने होते हैं किस चीज़ के? सिलिकन डाइऑक्साइड के, SiO2। सिलिकन डाइऑक्साइड के बने होते हैं ये कार्स क्रिस्टल, जो घड़ी में यूज़ करते हैं, घड़ी में, रेडियो और टेलीविज़न में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसका बना होता है? सिलिकन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को अभी अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, और देखिए ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ करके एग्जाम में जाइएगा। 10 क्वेश्चन तो रहते ही है प्रीवियस ईयर से, तो आसानी से बन जाएंगे और आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस पर, 10 नंबर भी आपका बढ़ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है?
एम्पियर वोल्ट कुलम्ब वाट। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की जो सीमा है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है दृश्य स्पेक्ट्रम की सीमा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो होता है वो किस परास में दिखता है? सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखता है, 400 से 700। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता को नापते हैं हाइग्रोमीटर से, इसको याद रखिएगा। आर्द्रता को इससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई पास्कल होती है ना। दाब एक अदिश राशि होता है जिसकी इकाई होती है पास्कल, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो न्यूटन पर वर्ग मीटर है ना, स्क्वायर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। न्यूटन पर वर्ग मीटर दाब की इकाई होती है, इसको पास्कल बोलते हैं, तो याद रखिएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया कि दाब का मात्रक क्या है, और इसमें देखिए चेंज कर दिया है, किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है ना, ना कि किलोग्राम में। तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो अदिश राशि किसको कहते हैं? तो देखिए सदिश राशि और अदिश राशि, तो सदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसको अदिश बोलते हैं। अदिश यानी कि दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन अदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है? तो दाब जो है हमारा, ये एक अदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण, ये सदिश राशि होता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो देखिए विकृति जो है हमारा, इसका ये एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग धैर्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंग धैर्य बैगनी से ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंग धैर्य हरे से ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंग धैर्य पीले से ज़्यादा होता है। तो लाल प्रकाश का जो तरंग धैर्य होता है वो बैगनी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि केंद्रक कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस बिना द्रव में बदले अगर सीधे गैस बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर गैस बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाए तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि एक ठोस सीधे गैस में अगर बदल जाता है बिना द्रव में बदले तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हैं, इनमें से कोई भी नहीं। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये आवेशित कण होती हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में जी जो है ये जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जनरेशन यानी कि पीढ़ी। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का जो आविष्कार किया था ये रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट वॉटसन। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल हिंग्स बोसान का एक मूल कण है।
जिसकी परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया था 14 मार्च 2013 को। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? हिंग्स बोसान का एक कण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी, ये आपने सबने पढ़ा होगा। टेलीस्कोप का खोज किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, गैलीलियो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? राइट ब्रदर्स, जेम्स वॉट, हम्पी डेवी, बोन ब्राउन। तो राइट ब्रदर्स हैं, इनके द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, और इसी को लिखते 10^-3 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा? सॉरी 40 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 26 है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट में कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में मे बी यहाँ पे चेंज कर दे, जरूरी नहीं 40 डिग्री का ही पूछेगा, तो अगर चेंज कर दे तो इसलिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा फॉरेनहाइट को स्केल में सेल्सियस में बदलने का। एफ इजकल टू 9/5c+32, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस जो इसका मान बदलते हैं फॉरेनहाइट में, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो क्या था एफ इजकल टू, क्या था 9/5 सेल्सियस, सी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री प्लस 32, 5 × 40 72 + 32 कितना हो जाएगा 104 फॉरेनहाइट हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, या C+32। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका इस्तेमाल करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की कला विधि टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है? तो टाइम पीरियड जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप लोगों ने लूसेंट साइंस वाला मेरा वो सीरीज देखा है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस आसानी से बना पा रहे होंगे, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, बल किसका गुणनफल है? बल, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजकल टू एम ए, जहाँ पे एम क्या होता है? मास होता है, और ए एक्सलरेशन होता है, मास यानी कि द्रव्यमान और एक्सलरेशन यानी कि त्वरण। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है a=v·u/t, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं बोलने का क्या मतलब है? कौन सी राशि अदिश राशि है वो पूछ रहा है। तो अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो किसी पदार्थ का संवेग और वेग, तो संवेग जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv, और वेग का v होता है, तो इसके अनुपात का बोल रहा है, तो mv/v, इससे कौन सी भौतिक राशि मिलेगी? mm यानी कि मास, द्रव्यमान, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर इसकल टू कितना होता है? 1000 मीटर के होता है। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम कितना होता है? 1 पिकोग्राम होता है 10^-12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम क्या है? 10^-12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं,
लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा बल कितना होता है। अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पे जो आपके द्वारा भार लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा या फिर नीचे आते समय शून्य होगा या किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा या लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो अगर लिफ्ट में हम लोग खड़े हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर किसी भी व्यक्ति का जो दबाव है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो त्वरण से इतने त्वरण से आते समय नीचे आते समय शून्य होगा, भार कब शून्य होगा, नीचे आते समय शून्य होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी अनुदैर्ध्य विद्युत चुम्बकीय ध्रुवीकृत। तो वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो रेड और नेफ्थलीन का जो मिश्रण है इसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, 66 बीपीएससी में पूछा था, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वाट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन और डायनेमो जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी। तो 100 वाट का अगर बल्ब है, अगर वो 10 घंटे चलता है तो कितनी मतलब खर्च होगी। तो एक यूनिट जो होता है, यूनिट हम लोग निकालते हैं। तो पहले 100 वाट जितना बिजली खर्च हुआ कितने घंटे, 10 घंटे, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट घंटा हो जाएगा। ये 1000 वाट घंटा इसकल टू होता है एक यूनिट, ठीक है। तो ये कितनी इकाई खर्च होगी, एक यूनिट इसकल टू क्या होता है, 1000 वाट घंटा होता है। ओके, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, कि 100 वाट बिजली का जो बल्ब है अगर उसको 10 घंटे जलाते हैं तो बिजली का खर्च कितना आएगा, 1000 वाट घंटा आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये 66 बीपीएससी यानी कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का उसमें पूछा जा चुका है। तो दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध हमें दिया गया है, एक प्रतिरोध का मान भी दिया है, दूसरे का मान निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 यानी कि एक प्रतिरोध प्लस 1/R2 दो प्रतिरोध है। अब इसका हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए R का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कुल प्रतिरोध हमें पता है, R1 भी हमें पता है, एक और प्रतिरोध पता है 2 किलो, R2 निकालना है, ठीक है, दूसरा वाला निकालना है ना। तो इसको फॉर्मूले पे अगर बिठाते हैं तो देखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2, ठीक है, ऊपर हो जाएगा तो 1/R इक्वल टू दिया है 1/R1, ये फॉर्मूला है 1/R2। तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 × R2 ऊपर R2 हो जाएगा प्लस R1, ठीक है,
वन बाई आर स्क्वल टू आर टू प्लस आर वन बाई आर वन इंटू आर टू। तो आर वन का वैल्यू हमें पता है, आर का भी वैल्यू हमें पता है, हमें तो आर टू निकालना है ना। तो आर टू कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग इसको ये करते हैं। तो देखिए आर वन इंटू आर टू मैं कैसे बनाऊँ इतने छोटे स्पेस में, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहना ठीक है। आर स्क्वल टू हो जाएगा आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो आर वन का वैल्यू टू हमें पता है, तो यहाँ पे टू आर टू हो जाएगा ठीक है। इसका वैल्यू भी पता है, इसका टू, तो टू प्लस आर टू हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.403 इंटू टू स्क्वल टू पे आ जाएगा, टू आर टू बराबर हो जाए इतना, प्लस 1.403 इंटू आर टू। उसके बाद टू आर टू माइनस इतना करेंगे आर टू के साथ, तब कितना आ जा रहा है, आर टू बराबर आ जा रहा है 2.806 बाई 0.597। और इस जब इसको और जब इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.70 किलो ओम ठीक है, 4.70 किलो ओम। तो देखिए मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि स्पेस इतना कम था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया समझाने का। तो देखिए फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 है और हमें आर टू निकालना है, तो आप लोग इस फॉर्मूला पे निकाल लेना और इतना ही आएगा, 4.70 किलो ओम ही आएगा ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता, अगर किन्हीं लोगों का मैथ्स वीक है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं क्या करूँगी, मैं कमेंट में ही इसको अच्छे ढंग से बना करके पिन कर दूँगी कमेंट ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जूम कर लेती हूँ मैं, हाँ चलिए नेक्स्ट है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड। तो जो भी ऑप्शन में हो ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो हम लोगों ने देखा था कि डायनेमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत उष्मा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर में क्या होता है कि विद्युत मोटर की बात हो रही है, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापा जाता है, विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है एमीटर से, सेम क्वेश्चन देखिए 2018 में आया था, 2019 में भी आया। नेक्स्ट है प्रकाश में सात रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, तो प्रकाश के जो सात रंग हैं उनको अलग करने का क्या तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी इक्वल टू होता है 1/d, यानी कि d होता है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर दिया है तो 1/2 हो जाएगा, 2 को 1 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, 0.5 मीटर। और यहाँ ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई जो होता है वो उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, उत्तर दक्षिण में संकेत करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस काम पे मिला था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, और किस चीज़ पे दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर काम करने के लिए 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है,
तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? तो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो तार यूज करते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है? वो बना होता है टीन और शीशे के मिश्र धातु का, क्योंकि टीन और शीशे का जो मिश्र धातु होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है, और जब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर लैंडिंग होता है तो उस टाइम परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है। तो फ्यूज़ का क्योंकि गलनांक कम होता है तो ये गल करके टूट जाता है, और इससे इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नुकसान होने से बच जाता है या फिर कोई भी दुर्घटना टल जाती है। तो फ्यूज़ के तार में फ्यूज़ का जो सुरक्षा फ्यूज़ के लिए तार किस चीज़ का लगाते हैं? टीन और शीशे के मिश्र धातु का, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो तांबे का उष्मा का सबसे अधिक जो कुचालक है वो पारा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति चालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो अति चालक जो होता है इसका लक्षण शून्य पारगम्यता होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो किसी भी अर्धचालक को अगर गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ठंडे के दिन में अगर लोहे और लकड़ी दोनों को छूते हैं तो लोहा ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लोहा में ज़्यादा ठंडा लगता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पे क्या होगा? कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, या कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या ना तो कमरे को गर्म कर सकते हैं ना ठंडा कर सकते हैं। तो कमरे में जो रेफ्रिजरेटर होता है इसका दरवाज़ा अगर खोल दें तो कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त जो होता है उसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा या कौन सी नहीं बदलती है, मतलब क्या नहीं बदलता? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलेगा? वेग या गति, तरंग धैर्य, आवृत्ति या आवर्तनांक। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति हमेशा वही रहती है जो पहले थी, तरंग धैर्य और वेग बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वायु ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना है? तो ध्वनि का जो वेग है वो वायु में कितना होता है? तो ध्वनि का वेग वायु में होता है 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण या किसी के समान नहीं। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों लगता है? हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है इसलिए, या लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, या वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित कर रहा है? तो आकाश हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है इसका, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है और आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पानी का घनत्व अधिक होगा और आयतन जो है वो न्यूनतम होगा। ये क्वेश्चंस हम लोग लूसेंट वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। मैं बार बार इसलिए बोलूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, लूसेंट बुक के हैं सारे। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा हुआ है और तब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि सारे लूसेंट साइंस के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो हम लोग एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था F=9/5C+32। तो वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था, अभी यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या हो जाएगा, 50 कर देंगे तो 10 टाइम्स कटेगा। 90+32 कितना होता है? 90+32 हो जाएगा हमारा 122 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता होता है जल का, वायु का, खून का या शहद का? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक श्यानता जो होता है वो शहद का होगा इसमें से, क्योंकि जो भी द्रव, जो भी कोई द्रव है वो जितना अधिक गाढ़ा होगा उतना ही अधिक उसका श्यानता होगा। तो इन ऑप्शंस में सबसे गाढ़ा क्या होता है? शहद है, तो इसलिए शहद की श्यानता अधिक होगी। ठीक है, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि शहद इसमें से सबसे ज़्यादा गाढ़ा है तो इसलिए शहद की श्यानता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे जो आती हैं वो चंद्रमा से आती हैं, क्योंकि महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से सूर्य की तुलना में ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे हैं वो चंद्रमा के कारण से आती हैं। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? उसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से या अवकरण अभिक्रिया से? तो सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह है, इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कब? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है? सबसे अधिक वर्ष कहाँ पे होता है? प्लूटो पे। प्लूटो का वर्ष सबसे अधिक होता है, इसमें लगभग 248 पृथ्वी वर्ष इसका एक वर्ष होता है, 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको, इस चीज़ को याद रखिएगा, 3×10⁸ होगा मीटर पर सेकेंड। 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट। ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, तो एग्जैक्ट याद रखिएगा, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो 8.5 मिनट होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक और आ चुका है एग्जाम में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे देखिए, वो पुराना क्वेश्चन था तो उस टाइम ऑप्शन ई नहीं होता था, तो अब ऑप्शन ई भी देते हैं बीपीएससी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 8.5 मिनट होगा या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड होगा, 8 मिनट तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी और फोर्टेन, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो बल्ब में जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग करते हैं वो टंगस्टन को प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं जर्मेनियम का, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा जो है, सूर्य ऊर्जा, ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, विखंडन पर, या दोनों पे, इनमें से कोई भी नहीं। तो परमाणु बम जो होता है इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन जो है ये एक नोबल गैस है जो कि वायु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। तो बिजली की खपत का बिल जो है वो किसके मापन पर आधारित होता है? वाट पे, ऑप्शन ए राइट होगा, केवल वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी में। तो यूरेनियम जो है ये सबसे भारी धातु है और यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और इसका परमाणु भार होता है 238.08, ठीक है, 238 लगभग। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इनसेट 2A को छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 10 जुलाई 1992 को। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी गई है। डार्विन जिन्होंने प्राकृतिक वर्णनवाद दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था डार्विन ने, तो उन्होंने ये बुक लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसके द्वारा लिखा गया था? ये डार्विन के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं किस ईयर में पूछा है, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो होता है ये मानव तंत्र में किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन एक हार्मोन है और ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? इनमें से एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोज, सल्फाडायजीन। तो एंटीबायोटिक्स इनमें से पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और सल्फाडायजीन भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये दोनों जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एंटीबायोटिक का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। सो पेनिसिलिन और सल्फाडायजीन ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, तो ऑप्शन जो है हमारा ई राइट हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इनमें कौन सा है जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है उसको कीट संवर्धन कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो एक सच्चा फल नहीं है? और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल है जो सच्चा फल नहीं है। तो देखिए, सच्चा फल किसको कहते हैं? तो जो फल अंडाशय से होता है उसको सच्चा फल कहते हैं, और जो अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं उसमें, उसको असत्य फल कहते हैं यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और जो अंडाशय से होता है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो सेब,
काजू, नाशपाती, ये सब जो होता है ये अंडाशय से नहीं होता है, बल्कि अंडाशय के अलावा भी शामिल होते हैं अन्य अंग, अन्य भाग उससे उससे होता है सेब। ठीक है, तो सेब जो हो जाएगा ये सत्य फल नहीं होगा, यानी कि ये फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, सेब, काजू और नाशपाती याद रखिएगा, क्या पता ऑप्शन में कभी सेब की जगह नाशपाती दे दे, इसलिए याद रखिएगा सेब, काजू और नाशपाती ये तीनों जो है ये सच्चा फल नहीं है। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने बायोलॉजी वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे थे, है ना, याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पत्ती से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, या फिर शुष्क पुष्प कली से? तो शुष्क पुष्प कली से लौंग हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए सेम क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था और 2020 में भी पूछा हुआ है। तो लौंग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक क्या है? अदरक एक तना है जड़ नहीं है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि अदरक जो है इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए ये जड़ नहीं है, तना है। और ये भी 66th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली क्या है? एक भूर्णीय टहनी, एक भूर्णीय पत्ती, एक भूर्ण पोष, या फिर एक बीज? तो पादप कली जो है एक भूर्णीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको लवण मृदोद्भिद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हेलोफाइट। ठीक है, वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है, और हिंदी में लवण मृदोद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी किसके लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। ईईजी का, ईईजी जो है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, तो इसका मस्तिष्क में यूज होता है। और एक होता है ईसीजी, इसका ये हृदय, हृदय में इसका होता है, हार्ट वाले के प्रॉब्लम में होता है ईसीजी, और ईईजी जो है वो मस्तिष्क का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ईईजी और ईसीजी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या एक्सरे? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता होती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, या पर उपर्युक्त सभी पर? तो मेंडल के अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो डीएनए की जो खोज है वो किसके द्वारा करी गई थी? डीएनए की पहचान सबसे पहले की गई थी 1869 में फेनरिक मिस्चर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फेनरिक मिस्चर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन में कहीं पे भी फेनरिक मिस्चर नहीं है। तो डीएनए की खोज सबसे पहले, जो डीएनए की पहचान है वो 1869 में फेनरिक मिस्चर के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में? तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी? तो हमारे शरीर में लगभग 70% जो होता है वो पानी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विटामिन, जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन के जो है ये प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैलेक्सी फॉल फिरॉल कहते हैं, अर्गो कैल्सी फिरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी जो होता है, देखिए विटामिन डी इसके दो टाइप होते हैं, D2 और D3, ठीक है। तो D2 को अर्गो कैलेक्सी फिरॉल कहते हैं और D3 को क्या कहते हैं, कोली कैल्सी फिरॉल। D3 को कहेंगे कोली कैल्सी फिरॉल और D2 को कहते हैं अर्गो कैल्सी फिरॉल। तो वही पूछा है कि किस विटामिन को अर्गो कैल्सी फिरॉल कहते हैं, विटामिन D2 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में भंडारित होता है यानी कि लीवर में। और विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल 0, फ्लेथमिया, टोकोफेरोल बेरीबेरी, साइनोकोबालेमिन रक्तालापता, अर्गो कैल्सीफेरोल रिकेट्स। तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से 0 फ्लेथमिया रोग होता है, ये सही है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का नाम है, तो इसकी कमी से क्या होता है, रक्तलापता होता है, ये भी सही है। अर्गो कैल्सीफेरोल D2 का नाम है विटामिन D2 का, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये भी सही है। सुमेलित कौन सा नहीं है, टोकोफेरोल बेरीबेरी, बेरीबेरी जो रोग है ये विटामिन B1 यानी कि थायमिन के कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल की कमी से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है, विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कार्ड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K L फाल्फा। तो इनमें से जो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो सारे के सारे जो है वो सुमेलित हैं, ठीक है। क्योंकि संतरा, देखिए संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन बी भी जो है वो कम मात्रा में ही लेकिन मौजूद है, ठीक है। तो संतरा में विटामिन B1 पाया जाता है, कांड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है, और एल्फाला में विटामिन के पाया जाता है। तो ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है, तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि अभी हम लोग ये बुक स्टार्ट ही कर दिए प्रीवियस ईयर का, तो मैं अभी चैप्टर वाइज आता रहेगा, अभी तो साइंस हमने स्टार्ट किया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी वीडियोज़ जो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड शेयर कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने दोस्तों को भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वृक्क से प्रति मिनट कितना औसत रक्त प्रवाह होता है, तो प्रति मिनट जो है 1200 cc रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। औसत यानी कि एवरेज पूछ रहा है, तो 1200 cc होगा प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन हमने देखा था इंसुलिन हार्मोन है और एक प्रोटीन भी है, इंसुलिन प्रोटीन और हार्मोन दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन में जैसा रहे उस तरीके से टिक करिएगा आप लोग।
ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंसुलिन हार्मोन है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलिन जो है वो हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। तो अगर हार्मोन ऑप्शन में तो हार्मोन दीजिएगा, प्रोटीन रहे ऑप्शन में तो प्रोटीन देंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो देखिए इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, डेंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसमें आयोडीन मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पर ऑक्सीसोम में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सौर ऊर्जा है जो वो एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलते हैं? फूल में, पर्ण में, बीज में, या कली में? तो भ्रूण जो है वो बीज में मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रति जैविक औषधि है? इनमें से कौन है जो प्रति जैविक औषधि है? क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल जो है ये एक प्रति जैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और सल्फाग्वानिडीन जो है ये भी एक प्रकार का प्रति जैविक है जो कि जीवाणुओं एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों जो है ये प्रति जैविक औषधि है, ठीक है। तो ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कालरा जो है ये किसका उदाहरण है? संक्रामक रोगों का, वायुजन्य रोगों का, जलजन्य रोगों का, इनमें से कोई भी नहीं। तो टाइफाइड और कालरा जो है ये जलजन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड जो होता है ये, टाइफाइड रोग होने का कारण क्या है? सलमोनेला टाइफी है। और कालरा के होने का कारण है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु। तो देखिए मैंने लूसेंट साइंस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है देख करके। आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लूसेंट साइंस के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन सारे देखे हुए हैं अभी तक। जो भी क्वेश्चन पढ़ा है वो सब हमने लूसेंट साइंस में भी पढ़ा था। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके लूसेंट साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन है चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है। तो एग्ज़ाम से पहले वो देख सकते हैं लूसेंट साइंस, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन लूसेंट से ही आता है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्यों में जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः यकृत जो है लीवर लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण है ये मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पिलीहा जिसको बोलते हैं इसमें होता है, और अस्थि मज्जा तिल्ली पलीहा इन दोनों में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा इसका, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो और तिल्ली जो पिलीहा होता है इन दोनों में ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। सो ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजीन किससे संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, या फिर आंचर से? तो ओंकोजीन जो है ये कर्क रोग यानी कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ओंकोजीन एक सामान्य सा जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है, और सबसे पहले इसकी जो पहचान है ये SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया था ये मुर्गियों में सबसे पहले।
तो ओंकोजीन जो है ये किससे संबंधित है? कैंसर से, कर्क रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? तो ल्यूकेमिया जो है रक्त कैंसर, इसके रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस P32 एंड Cobalt-60, ये दोनों ही है। ठीक है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर आयनी विकिरण जो है ये कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो है सहज प्रणाली का परिवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का जो तापमान है ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है और ये शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सेम क्वेश्चन देखिए, 18 में भी पूछा, 19 में भी पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण जो है ये जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोजोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है? तो डीएनए को जो है आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम अंतःपात्र में बनाया था, आर्थर कोनबर्ग। नेक्स्ट है, पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंस बीमारी जो है इसके उपचार के लिए नोबेल प्राइज जो है वो मिला था आर्विट कार्लसन को। इन्होंने, ये स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट है और इनको 2000 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए। कब दिया गया था? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर जो है ये डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन में, वायरस में, बैक्टीरिया में या शैवाल में? तो वायरस जो होते हैं विषाणु, इनमें कोई एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो भारत में HIV और एड्स जो है इसके रोकथाम के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने आवाहन कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2003 ईस्वी में। तो ये किसके प्रतिरोध के लिए? HIV और एड्स के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पे? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, वो दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन हैं। उन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया था मानव हृदय का। तो ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, उनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? फ्लेमिंग, लेमन, टेमिन, ल्यूवेनहुक। जीवाणु की जो खोज है ये ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक है या मृदा प्रदूषक है? तो कणीय तत्व जो है, कणीय तत्व, इसको कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। तो कणीय तत्व जो है क्या है? एक वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो वैस्कुलर पौधों में पानी जो है ये ऊपर कैसे जाता है? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, पेरेन्काइज्मा टिश्यू के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा या जाइलम टिश्यू के द्वारा? तो पौधों में पानी जो ऊपर जाता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। अगर आपने लूसेंट साइंस का देखा होगा तो देख रहे होंगे आप लोग कितने क्वेश्चंस जो है इससे मैच कर रहे हैं, ये सब भी हमने पढ़ा था ना साइंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर जो है मानव का सामान्य तापमान होता है 39.9 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में होता है 98.6 या फिर 4 फॉरेनहाइट होता है, ठीक है? तो फॉरेनहाइट में होगा 98.6 या 8 ऐसे रहता है कहीं पे, और सेल्सियस में 36.8 या 9, ये भी घटता बढ़ता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वदाता कहते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है इनको सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हर वर्ग वाले को रक्त दे सकते हैं, इसलिए इनको सर्वदाता कहा जाता है, और ले सकते हैं सिर्फ ओ वाले से ही। और सर्वग्राही किसको कहते हैं? ए बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ए बी जो है ये सर्वग्राही है, ये क्या करता है कि हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन दे किसी को नहीं सकता, सिर्फ अपने सेम वाले को ही दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकता है, इसलिए ए बी सर्वग्राही है और ओ जो है वो सर्वदाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की जो पढ़ाई है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत ऑस्टियोलॉजी में। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है, सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी जो है जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है ये दो बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में मनुष्य के 28 अस्थियां होती हैं, 28। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली, सरंधरी, ठोस, कीलक। तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। सारे लूसेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300 या इनमें से कोई भी नहीं? तो 20 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है ना? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में अवशेषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णा, मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत, या फिर बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो मनुष्य में अवशेषी अंग जो नहीं है वो है सामने वाले चपटे दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में एंजाइम जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंजाइम क्या करता है कि अभिक्रिया की गति को तेज करता है। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है। तो विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है कमेंट में बताइएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत बोलने का मतलब है कि जो अत्यंत कम मात्रा में दूध में होता है, तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन सी जो है अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? तो विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन सी दूध जो है वो विटामिन सी का पुअर सोर्स है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, इलूनीन कहाँ से प्राप्त होता है? इलूनीन जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो कि डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। इलूनीन कहाँ से प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो जल है। सेल यानी कि कोशिकाओं में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार
पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 95 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्तमान में आधुनिक खोजों से स्पष्ट हुआ है कि प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ के उद्भव का जो प्रारंभ है ये 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, और साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल इसका उद्भव 2.3 अरब पूर्व पहले माना जाता है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, 3.5 और 2.3 ऑप्शन में नहीं है। सो ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए ऐसा है। तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ जो इसका उद्भव कब हुआ था, 3.5 अरब वर्ष पहले, और शैवाल का 2.3 अरब वर्ष पहले, ठीक है। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, नीएंड्रथल पेकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है वो है क्रोमैग्नॉन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वलन। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटुलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है, म्यूटुलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटुलिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे? स्पाइनल कोड में, कशेरुक रज्जु में। गाइज, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। आपके जो भी दोस्त हैं जो बीपीएससी की प्रिपरेशन करें उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। वैसे लोग को शेयर नहीं कीजिएगा जो देखे ही नहीं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो सारा देखिएगा। और आप लोग पहले भी देख चुके होंगे बहुत सारे लोग, प्रीवियस ईयर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो कुछ कुछ इसमें ऐड हैं जो 66th बीपीएससी में पूछे गए थे, क्योंकि अपडेटेड बुक का है, तो इसको भी देख के रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चंस छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या फिर वंशागति। तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसे प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन कौन सी है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एथिथिलीन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग की जाती है गैसें वो है एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों ही है, ठीक है। इसका आंसर बी एंड डी दोनों ही होगा। तो आप लोग ऐसे नहीं कहिएगा, अभी तो बीपीएससी में ई ऑप्शन भी आता है ना, तो अब जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये ऑप्शन रहेगा ही, तो ये आंसर टिक कर दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो। वैसे याद रखिएगा, एसिटिलीन और एथिलीन जो है ये दोनों ही कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ से मिलता है? बीजों से, तना काट के, इन दोनों से या इनमें से कोई भी नहीं। माँ पौधों की भांति पौधा हमें बीजों से मिलता है, ठीक है, बीजों से मिलता है या तना काट के मिलता है? तो बीज और तना दोनों से ही मिलता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे शोर हो गया था थोड़ा। तो माँ पौधे की भांति पौधा हमें कहाँ से मिलता है? बीजों से और तना काट के, इन दोनों से ही मिलता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर क्यों जाती हैं? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती या फिर वो जल में नहीं चल पाती। तो जल से बाहर निकाले जाने पे मछलियाँ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जीव को रहने की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? हैबिटाट कहते हैं, आवास कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो देखिए, मधुमक्खियाँ जो हैं वो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। और एक चीज़ और, कैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका आंसर डांस होगा,
मतलब नृत्य से पहचानती है। तो देखिए, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो भोजन की दिशा या फिर उसके स्रोत को बताने के लिए जो है वो नृत्य मुद्राएं करती हैं, लेकिन एक दूसरे को जो वो पहचानती है वो गंध से पहचानती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है, तो इसमें लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वो किसके वजह से होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होगा ये वायरस के कारण, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, एड्स किसके कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। सेम क्वेश्चन है, 16 में भी पूछा था और 18 में भी पूछा था। तो एड्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर या फिर एड्स? तो एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स रोग जो है वो एचआईवी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? इस टाइप के क्वेश्चंस लूसेंट में है ना, पढ़े हैं ना आपने? अगर जिन लोगों ने पढ़े होंगे उनको अच्छे से याद होगा, हमने सारा पढ़ा है। तो आप लोग, मैं वैसे बोलूँगी साइंस के लिए लूसेंट का जरूर देख लीजिएगा एक बार क्या, दो तीन बार देख लीजिएगा। साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में साइंस से, तो साइंस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, स्त्रियों में जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम होता है और पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। तो स्त्रियों में जो होता है वो दो एक्स क्रोमोजोम होता है, तो एक जो है वो वर्धानता के जीन को अगर एक वहन करता है तो दूसरा वाला जो है उसको संतुलित कर देता है। इस तरीके से महिला जो है वो केवल वाहक का काम करती है लेकिन पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धानता से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसीप्रीन कहाँ से मिलता है? एसीप्रीन जो है ये हमें वीलो वृक्ष की छाल से मिलता है। किस वृक्ष की छाल से? वीलो वृक्ष की छाल से। तो ये एक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो कि यूरिया में मिलता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों और पेड़ों का जो खाना तैयार करते हैं उसकी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, फूल है, क्योंकि पुष्प में ही परागण के द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। तो इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है, फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। इसकी ऊंचाई है लगभग 115 मीटर से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीप्रीन क्या है? एसीप्रीन एक एंटी पैरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट करके आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। ये इंडोनेशियाई वर्षावन में पाया जाता है और इस फूल का व्यास जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर और इसका वजन लगभग 10 केजी तक
होता है। तो रिफ्लेसिया जो ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हर गोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो डॉक्टर के द्वारा एनेस्थेसिया दिया जाता है जिसमें प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है, हंसने वाली गैस, वो क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो भारत में 6 रोग से जो है प्रतिवर्ष लोग काफ़ी ज़्यादा मरते हैं 6 रोग के कारण, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी इनमें से कौन है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मार्टोज या फिर सुक्रोज। तो इनमें से सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी होती है? चीनियों में फ्रुक्टोज होती है। सेम क्वेश्चन है, 2004 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो करवाहट पहचानने के लिए मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट है, मटर का पौधा क्या है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है? मटर का जो पौधा है एक शाक है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? फलियां जो होती है वो अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की जो खराबी वो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? तो जब हम बकरी या फिर भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि बकरी घास को खाती है, बकरी और भेड़ घास को खाते हैं, फिर भेड़ को हम खाते हैं, तो हम लोग क्या होंगे? द्वितीय उपभोक्ता होंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, इनमें से कौन है जो तत्व नहीं है? तो आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु आते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो धातु, अधातु और उपधातु ये जो है तत्वों के 3 भाग हैं। तो तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? गैस तत्व नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेवोजियर, सीवी रमन। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जाने जाते हैं लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या जो किसी भी तत्व का निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो हमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें दी गई है तो इसको जोड़ना है, 18 प्लस 20 इस कितना हो जाएगा? 18 प्लस 20 38, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है ये दिया गया है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है वो हमें बताना है। तो देखिए, 242 जो यहाँ पे है, 242 ये इसका द्रव्यमान संख्या है, 94 इसका परमाणु संख्या है, ठीक है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड का ये 94 यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है और 244 द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। तो हमने द्रव्यमान संख्या इसकल टू मतलब
मास जो उसका है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या देखा था, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो हमें मास पता है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु की संख्या भी हमें पता है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे इजिली, न्यूट्रॉन का एम माइनस पी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 242 माइनस 94 करेंगे हम लोग, अगर 242 माइनस 94 करेंगे तो कितना आएगा 148 आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग को अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, और ये 66th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो 148, और बीपीएससी क्वेश्चंस रिपीट भी करती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जरूर एग्जाम में पढ़ करके जाइएगा, ये बार बार मैं बोलती हूँ हर वीडियो में। ठीक है, फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो देखिए फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन। तो पीएच मान जो है, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और उदासीय विलयन का भी 7 होता है, तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी। तो किसी घोल का पीएच जो है वो 3 से 6 में बदल जाता है, तो उसकी एच प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रोमीन क्या कैसी होती है, रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील, लाल द्रव। तो ब्रोमीन जो है एक लाल लाल द्रव है, ठीक है, जो कि ब्रोमीन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 35 होती है, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और ये लाल द्रव है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है। तो देखिए वेल्डिंग में जो गैसों का यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी गैस है, एसीटिलीन और ऑक्सीजन, एसीटिलीन और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में प्रयोग करने के लिए। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, एसीटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, गैल्वनाइज्ड लोहे के पाइप पर किस चीज़ की परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेट की, क्रोमियम की। तो गैल्वनाइज्ड जो लोहा होता है उसके पाइप पे जस्ते की परत, पतली परत जो है चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं, तो जस्ता इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मिथ, सल्फोनेट। तो कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयोग में लाने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जो मानव पसीने से के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मनुष्य के पसीने से कौन कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है ये हमें पहले जानना चाहिए। तो देखिए पसीना जो है वो मुख्य तो वो पानी से बना होता है पसीना, लेकिन इसमें पसीने में खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, आयरन यानी कि लोहा, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है, जिंक, जस्ता भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ई राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, तो कमेंट करिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम। तो इनमें से सबसे जो भारी धातु है वो प्लैटिनम है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ये किसका मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे के साथ, लोहे का तो होता ही है लेकिन लोहे के साथ कार्बन, निकल और क्रोमियम भी इसमें मिला होता है। इसको स्टेनलेस स्टील जो है इसमें लोहे के साथ साथ कार्बन, निकल और क्रोमियम भी होता है। देखिए निकल भी है, क्रोमियम भी दिया हुआ है, तो अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम, जिप्सम
रासायनिक सूत्र हम लोग देखते हैं CaSO4 इंटू 2H2O होता है, और जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो अपने अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी हड्डी में प्रयोग होता है ये क्या है, ये जिप्सम है, जिप्सम से मिलता है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो देखिए जिप्सम का सूत्र मैंने आपको क्या बताया, CaSO4 इंटू 2H2O, और इसको गर्म करते 373 केल्विन पे तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है देखिए, तो यहाँ पे 2H2O है हमारा, CaSO4 इंटू 2H2O, जब इसको गर्म करेंगे तो ये हो जाता है हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O हो जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पे अगर फॉर्मूला में हाफ H2O होगा, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में 2 होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, या ब्रैकेट में 2 इस साइड होगा CaSO4 के पास 2 होगा, या फिर इंटू हाफ H2O होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि कन्फ्यूज़ नहीं होना है, CaSO4 ब्रैकेट में 2 है ना, यहाँ पे या तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में होगा, नहीं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा, तो ऑप्शन बी अभी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं, कार्बन के जो है दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा होगा आपने, तो जिसमें CnH2n+2 CnH2n होता है एल्कीन का फॉर्मूला, CnH2n। तो एक हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। कार के बैटरी में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो सोडा वाटर जो है उसकी बोतल को हम लोग खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज मिनरल क्या है, द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, उपरोक्त सभी। तो खनिज जो होता है, मिनरल जो होता है, वो अकार्बनिक ठोस होता है। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक यूज किया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था, पहली बात तो उस बम का नाम था फैटमैन, जिसमें उस बम में विस्फोटक के रूप में यूज किया गया था प्लूटोनियम को। और वहीं आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा पे भी बम गिराया गया था 6 अगस्त को, तो हिरोशिमा पे जो विस्फोटक, हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था, और नागासाकी पे जो बम गिरा था उसका नाम था फैटमैन। तो फैटमैन बम में विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में, कि नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका पहले तो नाम क्या है, नागासाकी पे जो बम गिरा था उसका फैटमैन, और हिरोशिमा पे जो गिरा था उसका लिटिल बॉय। तो फैटमैन में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था विस्फोटक के रूप में, और लिटिल बॉय में यूरेनियम का। तो हमसे क्वेश्चन में नागासाकी पूछा है इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेकिन आप लोग हिरोशिमा का भी याद रखेंगे, क्या पता आने वाले एग्जाम में हिरोशिमा के बारे में पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्र, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई भी नहीं। एक ही प्रकार का परमाणु हमें प्राकृतिक तत्व से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद सेकंड नंबर पे सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, उसके बाद आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी हम लोग हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाते हैं, तो इसमें प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस इसमें यूज होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है, आयोडीनीकृत
लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड या इनमें से कोई भी नहीं। आयोडीनीकृत लवण जो होता है इसमें पोटासियम आयोडाइड रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का जो नमक होता है NaCl ये किससे बनता है? तो ये याद रखिएगा हमेशा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ठीक है, दोनों ही मजबूत होगा इसमें, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन बी। तो ये आसान है, याद रखना। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जितने भी जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। संसार के सभी पदार्थ, सभी जैव पदार्थ जो हैं वो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। तो ऑक्सीजन जो है ये केरोसिन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है? तो सिगरेट लाइटर जो होता है इसमें ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है, C4H10। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लग का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन ये किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन जो है इसका एकलक बहुलक है, टेफ्लॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट, तो बैकेलाइट इसको याद रखिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसके संघनन से बनता है, ऑप्शन बी। और बैकेलाइट जो है इसका खोज किया गया था 1907 से 1909 के बीच, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, लियो बैकलेट, उसने खोज किया था बैकेलाइट का, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसरीन क्या है? ट्राइग्लिसरीन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है? तो ट्राइग्लिसरीन जो है शरीर में पाए जाने वाला एक वसा है, फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली के सांस के जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पुलिस जो होते हैं वो नशे, जो लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं उनकी सांस की जांच करते हैं, तो उसके फिल्टर पेपर में जिससे वो जांच करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये 66th BBSC का क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था। पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस जो है वो नशे में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी सांस का जांच करते हैं जिस उपकरण से, उसको एनालाइजर बोलते हैं, और उसमें, उस उपकरण में जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिससे पता चलता है कि उसने कितना अल्कोहल का सेवन किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में क्या होता है? तो घरेलू ईंधन में जो LPG होता है इसमें क्या यूज़ किया जाता है? LPG में मिथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो LPG जो है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैस, इसमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन, ओजोन, ये सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? सेम क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा, 2019 में पूछा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मिथेन भी होता है, ओजोन भी, नाइट्रोजन भी, ऑप्शन ई, सेम ऑप्शन भी सेम है, डिट्टो है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा हर वीडियो में कि आप लोग जरूर एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर जरूर एक से दो बार मतलब पढ़ के जाना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपका मतलब 10 नंबर यहाँ से पक्का है, 10 क्वेश्चन तो रहते हैं प्रीवियस ईयर से, हर सब्जेक्ट में मिला करके 10 क्वेश्चन जरूर ऐसे रहेंगे जो पहले भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है, और एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? पेट्रोल या डीजल के अधूरे जलने से क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा, CO। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 66th BPSC में क्वेश्चन आया था। देखिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन गिरिच को हटाता है, साबुन जो है वो गिरिच को हटाता है कैसे? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, पायसीकरण, पराशरण। तो साबुन जो है वो गिरिच को पायसीकरण के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है, पदार्थ है और उसके उपयोग दिया गया है। स्पार्टेम, स्पार्टेम का उपयोग करते हैं कृतिक मधुरक के रूप में, फ्रियोन का यूज किया जाता है प्रशीतक के रूप में, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेंड्रालिन प्रति हिस्टेमिन। तो ए का थ्री, बी का फोर, देखिए ए का थ्री है, बी का फोर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी का वन और डी का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों ही जो है पृथ्वी पे गिरती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अधिक मात्रा में क्या होता है, लगभग 70% सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है, H2SO4। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से। तो अम्ल वर्षा जो होती है, ये देखिएगा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन होने वाली वर्षा है ये। तो जिसका जिसके उत्सर्जन का मतलब कारण कारखानों से भी होता है ये, पेट्रोल से भी होता है, और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। तो अभी इस टाइम पे तो ऑप्शन ई नहीं होता था, क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो अब ऑप्शन ई अवेलेबल रहेगा आपका। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन ई टिक करिएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप लोगों ने क्वेश्चन बार बार पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम क्वेश्चन अगेन, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? ये 66th बीपीएससी का क्वेश्चन है। चूने का पानी जो है वो किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने का पानी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये दुधिया हो जाता है, CaCO3 बनता है, जो कि दुधिया एक विलयन है। तो चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो कार बैटरी में हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है कि कार बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों ही कार्बन के अवरूप हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा है, सबसे हार्ड क्या है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लैटिनम। इसमें सबसे जो हार्ड है वो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो खाने के वस्तुओं के परीक्षण किस चीज़ का यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परीक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, पारद धातु मिश्रण क्या होता है? अति रंगहीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारित मिश्र धातु, या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु। पारद धातु जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है पारद युक्त मिश्र धातु का, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है? खाना बनाने में जो प्रयोग करते हैं जिस गैस को, वो क्या होती है? तो खाना बनाने में मुख्यतः मिथेन गैस का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव रहता है? तो इनमें से कौन सा वो धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका ऑप्शन है सीसा, पारा, निकेल, टीन। तो देखिए, पारा जो होता है ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जो थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं पारे का। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, ठोस जब बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड
चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड का जो चूर्ण है इससे निकलने वाला धुआं क्या है? अमोनिया और डाइक्लोरिक एसिड। अमोनिया और डाइक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है थोड़ा, और सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो इसका आंसर एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई होगा इसका आंसर। वैसे तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो वाहन से निकलने वाली गैस गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है उसमें? स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम जो है पिच ब्लेट से रेडियम प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल क्यों जाती है? तो तैरने के तालाब में जब मनुष्य तैरता है तो उसकी त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्लोरीन के कारण, क्योंकि तालाब में होता है जल की शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अगर कोई मनुष्य तैरता है तो क्लोरीन के कारण उसकी त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं, H2 को जलाते हैं अगर, तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है किस में? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। तो देखिए, सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है, ठीक है, एक्वारेजिया में सोने को घोला जाता है। और एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक्वारेजिया होता है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, ठीक है। तो सोने को पहली बात एक्वारेजिया में घोला जाता है। अगर एक्वारेजिया ऑप्शन में नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि एक्वारेजिया क्या होता है, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये अलग अलग है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका आंसर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को एक्वारेजिया बोलते हैं, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। एक्वारेजिया जो होता है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर बी और सी का मिश्रण अगर रहता तो होता, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अभिक्रिया कर लेता है किससे? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो अभिक्रिया कर लेता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इससे वो अभिक्रिया करता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो कौन सा धातु है? तो कौन सा वो धातु है जिसको हवा में रखने पे, वायु में रखने पे उसके ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है? तो वो है तांबा। तांबे को अगर थोड़ी देर हवा में रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो उसकी धातु उसके ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। नेक्स्ट है, घरेलू एपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता, ऐसा क्यों है? वो बहुत महंगे होते हैं इसलिए। एपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रसादित कर सकते हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। तो घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी के द्वारा चौक हो जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हमें हेमेटाइट से प्राप्त होता है, हेमेटाइट एल्सक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो विरंजक चूर्ण जो है ये जल में अधिक विलय होता है, ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी के सारे कथन सत्य हैं, यह हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या राइट होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ते के एक आयतन का भाग 7100 किलोग्राम है, दो आयतन का भाग तांबा है,
जो 8900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, इसको मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व भी कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो पीतल किसको मिलाने से बन रहा है? जस्ते और तांबे को, जिसमें जस्ते का एक आयतन भाग है इतना और तांबे का दो आयतन भाग है 8900 किलोग्राम मीटर। तो इसमें जब पीतल बनेगा तो पीतल का जो घनत्व होगा वो कितना होगा? देखिए, पीतल का घनत्व होगा एक भाग जस्ता का है प्लस दो भाग तांबे का है, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, 7100 प्लस दो भाग तांबे का है तो सॉरी प्लस 2 इंटू हो जाएगा 8900, 8900। और इसको जब पूरा जोड़ के ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाता है 24900 आएगा, ठीक है। और पीतल का घनत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक आयतन दो आयतन तो 3, तो बाई 3 हो जाएगा हमारा। तो इसको जब भाग देते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा 83 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फिर मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, जस्ते का एक आयतन है, दो आयतन भाग तांबे का है, तो इसको मिलाने से पीतल बन रहा है, ठीक है। तो इस इतना को कितना से ऐड करेंगे? इतना से दो आयतन, इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24900। और इसको जब पीतल का घनत्व है तो 3 आयतन का इस्तेमाल हुआ, इसलिए डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? 8300, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? जस्ते के एक बर्तन पे विद्युत लेपन की विधि में क्या होगा? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है? तो जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो ये डिट्टो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ साथ निकेल और क्रोमियम ये भी ऐड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम और निकेल का भी, लेकिन यहाँ पे निकेल कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। वहाँ पे निकेल ऑप्शन में था, इसलिए आपने एक से अधिक आंसर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋण ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा, बीटा, गामा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा 3 किरणें निकलती हैं, जिसमें अल्फा जो होता है धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है और गामा किरण उदासीन होता है। तो ऋण आवेशित पूछा है, बीटा किरण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है 2882, पहली कक्षा अच्छा में 2, दूसरे में 8, 8, फिर 2। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या, स्केल्टो हमने क्या देखा था? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो 2, 2, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्सा क्लोराइड अणु का आकार क्या है? सल्फर हेक्सा क्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स की 72वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो एक्स को एक्स एच, एक्स एक तत्व है और इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। इसको जब हाइड्रोजन के साथ, इसका सूत्र क्या होगा, इसका यौगिक? तो एक्स एच, एच के पास तो एक ही होता है, तो ये अपना एक इसको देगा और एक्स के पास 4 है, तो एक्स एच 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स एच 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन C6H6, इसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा 12 होता है और पाई 3 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये 66th BPSC का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारी पानी वह होता है जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रहता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अभिलय होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो देखिए, भारी पानी जो होता है D2O, ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आइसोटोप है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक में हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या सेम रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या भिन्न है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, तो गलत। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा एक रहेगा, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है, तो वो होता है हमारा आइसोटोप। नेक्स्ट है, दूध क्या है? दूध क्या है? इमल्सन है। नेक्स्ट है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहलिक खमीर, इसका आखिरी उत्पाद क्या होगा? ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को जाइलम के द्वारा इथाइल अल्कोहल में बदला जाता है, ठीक है? 66 बीपीएससी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या क्या हैं? तो यूरिया, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2, ठीक है? तो इसमें क्या क्या तत्व हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, CHNO। तो अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट साबुन है या औषधि है, उत्प्रेरक है या शोधन अभिकर्ता है? तो डिटर्जेंट जो है, अपमार्जक जो है, ये सफाई करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, साबुन एवं अपमार्जक उसको बोलते हैं, अपमार्जक ही कोई साबुन बोलते हैं। तो ये क्या है? तो वास्तव में हम जिस साबुन का यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? अपमार्जक श्रेणी में ही आता है, तो अपमार्जक क्या है? साबुन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है? साबुन को बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा तीन किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है और गामा जो है उदासीन होता है। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78%, 78.09% है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटक है। वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें सक्रिय रसायन क्या होता है? एलीथ्रीन होता है, एलीथ्रीन। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी। हास्य गैस क्या है? हंसने वाली गैस जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस बोलते हैं, इसको सूंघने पे हंसी आती है और इसका इस्तेमाल जो डॉक्टर्स हैं वो एनेस्थेसिया में भी करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन बी। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल रहा होगा आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर आप लोग पढ़िए एग्जाम तक, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग चैप्टर मतलब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, है ना? तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो ज़रूर 2 से 3 बार जरूर प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाइएगा, ये मेरा सजेशन है। ओके एंड
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या इस तरह की कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। एंड जो मैंने कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा है उसको ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।